माननीय मंत्री जी, आपसे एक जनता आग्रह किए हैं कि आपने जो इस लोकसभा चुनाव में जो हार हुआ है, तो इसके बाद जनता लोग से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र किया, न सिर्फ काराकाट में, बिहार में, बल्कि पूरे देश में कुछ इस तरह की बात को चर्चा में उन लोगों ने लाने का काम किया, जिसकी वजह से लोग उनकी जाल में फंस गए और उनके पक्ष में लोगों ने वोट कर दिया। अब हम जनता से यही आग्रह करना चाहते हैं, जनता का जो मौलिक सवाल है, इन सवालों को ध्यान में रखकर लोग आगे वोट करें। नौजवानों के रोजगार का सवाल है, शिक्षा ठीक तरह से हो, बेहतर तरीके से हो, इसका सवाल है, गरीबी का सवाल है, कई तरह की और समस्याएं हैं जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता को वोट करना चाहिए, किसी की बात में आकर भावनात्मक मुद्दों के आधार पर, बनावटी मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल आगे के चुनाव में रखा जाना चाहिए, यही अपील हम यहाँ की जनता और बिहार भर की जनता से करें। बिहार के जो शिक्षक लोगों के साथ धोखाबाजी किया गया है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा की व्यवस्था तो पूर्णतः चौपट है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, और जब तक गांव के सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तब तक गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके बाल बच्चों की तकदीर नहीं बदल सकती है, और इसलिए बार बार हमने यह बात कही है। लेकिन कुल मिला जुला कर आज भी अब शिक्षक ही अपनी समस्याओं से ग्रसित रहेंगे तो स्कूल में बेहतर पढ़ाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बिहार की सरकार, खास करके नीतीश कुमार जी का ध्यान इस पर है ही नहीं, इसलिए हम उनसे अभी भी, हमने पहले भी आग्रह किया और अभी भी हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि एक साल समय है, इसमें शिक्षकों की समस्याओं को दूर करें, स्कूल से संबंधित और भी जो मामले हैं उस पर ध्यान दें और शिक्षा की बेहतर को व्यवस्था को करने में कोशिश करें कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, आज नीतीश कुमार के साथ वो बैठक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसके बाद पे आप क्या सहमति देना चाहते हैं उनको? नहीं, उनके साथ कोई बैठक नहीं कर रहे हैं मांझी जी, न घूम रहे हैं, कहाँ से बात है, उसमें एक इफ्तार पार्टी है, अब उसमें तो कोई राजनीति की बात नहीं, उसमें सभी दल के लोग आ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। उन्होंने तो बयान दिया कि नीतीश कुमार देश के विकास और बिहार के विकास में सबसे अच्छा भूमिका निभाए हैं, अब उनका क्या बयान है उस पर तो वही कुछ जवाब दे पाएगा।